मध्य प्रदेश के कार्यालय में महाराष्ट्र महिला टीम यहाँ उपस्थित है और साथ में महाराष्ट्र की युवा टीम भी यहाँ उपस्थित है। मैं महाराष्ट्र की महिला टीम के कार्याध्यक्ष डॉक्टर भाग्यश्री प्रेमचंदानी से निवेदन करता हूँ कि वे हमारी बहन मीना अमीसर को मध्य प्रदेश का जो है एक मान चिन्ह दरें टोपी नहीं बोलेंगे मान चिन्ह पहना कर उनका सत्कार करें। उसी तरह गुरु टीम की हमारी अध्यक्ष हमारी बिटिया जो है रीत रूपानी और हमारे महासचिव सुनीता जेसवानी मध्य प्रदेश की तरफ सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि मेघा बहन ने अभी जो एक शो किया था उसमें प्रत्यक्ष कोल्हापुर की माता के जो उनको दर्शन कराया और यह शो जो था ऐतिहासिक शो हुआ कि हम लोग तो स्तब्ध हो गए क्योंकि माता के प्रत्यक्ष दर्शन हमारे को वहाँ देखने को मिले। तो इतनी अच्छी कराटे की और इतना अच्छा हुनर हमारी बहनों में है मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि उनका हुनर पूरे विदेश में पता पड़े कि हमारी महिला शक्ति में कितनी ताकत है कितना हुनर है। तो वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश की सेक्रेटरी हमारी बहन मेघा मिसर और उनकी बहन यहाँ उपस्थित है मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारी बहन कविता कपूर जी भी यहाँ उपस्थित है मैं दोनों का अभिनंदन करता हूँ और ये हमारे महाराष्ट्र टीम की जो जनरल सेक्रेटरी सुनीता जी और कार्यकारी सचिव हमारी साक्षी बिटिया जो है यहाँ उपस्थित है मैं उनका भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और खासकर मैं हमारी भाग्यश्री बहन से बोलूँगा कि हमारी मीना बहन ने जो हमको वहाँ पर माता का जो शो देखा है उसके बारे में दो शब्द जरूर कहते हैं कि कला गॉड गिफ्ट रहती है। तो मेघा अमीसर के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो साक्षात देवी का ही अवतार है क्योंकि एक देवी ही देवी को बना सकती है एक माँ ही माँ का रूप दे सकती है और उसके हाथों में ऐसा जादू है कि वो जो प्रत्यक्ष से माता का श्रृंगार करती है छह इंद्रियों को वश में करके उसमें पूरी जान डाल देती है और जागृत अवस्था में माता के रूप को देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे कि सही में किस प्रकार से उसकी कला का प्रदर्शन हो रहा है। आपको प्रत्यक्ष माता का रूप उस जो उन्होंने स्टैच्यू बनाया है उसमें पूरी प्रत्यक्ष माता का साकार रूप दिखाई देता है। अगर आपको देखना है तो हम आपको दिखाएंगे। हाल ही में हमारा ऐसा विचार है कि हम दिवाली में एक प्रोग्राम करेंगे और वहाँ पर उस माता के प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन कराने हेतु हम मेघा मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो माता को साक्षात तैयार करके प्रत्यक्ष रूप से जीवित दर्शन जागृत अवस्था के दर्शन आपको लाइव कराएंगे। और ऐसे भूतों न भविष्य मैंने कभी देखा है। जब मैं यहाँ होटल में इनका प्रोग्राम देखने गई और हमारे प्रताप भैया हम दोनों गदगद भी हुए हर्षित हुए अचंभित भी हो गए कि ऐसा भी होता है क्या। तो अगर आपको लाइव दर्शन करने हैं तो हमारा एक VSSS विश्व सिंधी सेवा संगम का प्रोग्राम हाल ही ये दिवाली में होने वाला है उसकी घोषणा तो भैया करेंगे ही लेकिन उसमें आपको यह शो लाइव दिखाया जाएगा। प्रत्यक्ष गरबा भी होंगे प्रत्यक्ष वहाँ पर माता की चौकी भी होगी और प्रत्यक्ष वहाँ पर माता भी विराजमान होगी जिसे हमारी बहन मेघा कपूर अमीसर जी उसको बिल्कुल साक्षात माता का दर्शन देंगे। तो मैं उनके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और कहती हूँ कि फलो फूलो आगे बढ़ो हम आपके साथ में हैं। VSSS मैं बताना चाहूँगा कि यह शो जो है पूरे मध्य प्रदेश पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाएगा 145 देशों में और पूरे इंडिया में और उस शो को जो है हम उसमें जो हमारी मेघा बहन माता को साकार रूप में जो प्रदर्शित करेंगे उस टाइम हमारे बॉम्बे की टीम को भी इन्वाइट करेंगे हमारे डॉक्टर राजू मनवानी की दादा गोपाल दास सत्यानी की और जो भी हमारे बॉम्बे टीम है उनको भी आमंत्रित करेंगे और ऐसा शो करेंगे ऐतिहासिक शो करेंगे कि नागपुर में ऐसा शो नहीं हुआ है। तो यह शो हम जल्दी VSSS के माध्यम से हम करेंगे आप हमारा इंतजार कीजिए और आपको जब शो देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी में आपने बहुत सारे शो देखे होंगे लेकिन यह शो देखने के बाद आप इतने प्रफुल्लित होंगे और आपको प्रत्यक्ष जैसे वैष्णो देवी में जाकर माता के दर्शन होते हैं वैसे आपको यहाँ नागपुर में हम माता के दर्शन कराएंगे। जय माता दी जय माता दी जय कर श्री राधा बोल सा जय कर।